आज मुझे बेहद खुशी है कि हमारी पंजाब की भगवंत मान सरकार ने, भगवंत मान साहब ने, इनके एजुकेशन मिनिस्टर ने मिलके और वही शिक्षा क्रांति पंजाब के अंदर शुरू की है। ये जो शानदार स्कूल आप देख रहे हैं जहाँ हम लोग खड़े हैं, ऐसा स्कूल बताते हैं कि अमृतसर में कोई प्राइवेट स्कूल भी ऐसा नहीं है। इतना शानदार स्कूल, जो फैसिलिटीज़ यहाँ पे है, अमीरों के बच्चों को शिक्षा मिलती है वैसी हर एक के बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए। आगे कंपटीशन में कौन आगे जाता है ये तो उन बच्चों के भाग्य में लिखा है, लेकिन कोई ऐसे वंचित ना रहे। ये फैसिलिटीज़ हर गरीब के बच्चे को भी मिलेगी, हर गरीब का बच्चा भी अब अमीरों जैसी शिक्षा प्राप्त करेगा। ये मुझे बेहद खुशी है कि आज पहला स्कूल बना है। पंजाब के हर सरकारी स्कूल को ऐसा ही बनाएंगे और हर एक को, हर एक बच्चे को शानदार शिक्षा देंगे, ऐसा हमारे सबको वादा था और उस वादे को पूरा करने का काम शुरू हुआ है। पहला स्कूल रेडी हो गया, अब आने वाले दिनों में हर 15 दिन के बाद एक एक स्कूल रेडी होता चला जाएगा। ये तो बेस मॉडल है, इसके बाद वाले जो और ऑलरेडी जो स्कूल बन रहे हैं और भी अच्छे बना के हम जो है अपनी गारंटी को, सरकारी में एडमिशन होने लगेगी जैसे दिल्ली में हुआ मनीष सिसोदिया की अगुवाई में, अरविंद जी की अगुवाई में। तो ये पंजाब के लिए वो लग रहा था कि शायद इम्पॉसिबल है, लेकिन हमने इतनी मेहनत की और हमारे टीचर्स ने इतनी मेहनत की कि आज ये हमारा पहला स्कूल ऑफ एमिनेंस जो है रेडी है। आप खुद देख सकते हैं, बाहर से भी अंदर से भी, बच्चे भी हैं अंदर, टीचर भी हैं। आप कृपया हमारी इंटरव्यू करने के बाद उनसे भी पूछिएगा कि कितना फ़र्क है। बहुत से बच्चे बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों से निकालकर जो है पेरेंट्स ने यहाँ जो है उनको भर्ती कराया है। ये विश्वास है, असल में जो क्रांति है उसमें विश्वास है। सो लोगों का विश्वास अगर ऐसे रहता है, स्कूल ऑफ एमिनेंस है, बच्चियों को लाने के लिए दूर दूर से 20-20 किलोमीटर से हमने ट्रांसपोर्ट मुहैया करवानी शुरू कर दी है। ड्रॉपआउट था रेट वो इसलिए ज़्यादा था कि बच्चियों के लिए जाने के लिए कोई साधन नहीं था। बसों के पीछे लटक के जाती थी, ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे लटक के जाती थी, किसी अजनबी से राइड लेती थी। तो पेरेंट्स जो थे वो इंटेलिजेंट बच्चियों को भी इसलिए स्कूल से, पढ़ाई से उनकी हटा लेते थे कि हमें इज्जत प्यारी है एजुकेशन से। लेकिन अब कोई बच्चा ऐसा नहीं रहेगा किसी भी पंजाब के गाँव में जो इसलिए पढ़ाई की वजह वंचित रह गया कि उसके पास जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए कोई साधन नहीं था। तो मैं पूरी हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट की पूरी टीम को, अरविंद जी को तो खास तौर पे, कि उन्होंने ये चिंगारी जो है इसको हमारे दिलों में जला के रखा है, पूरे देश में जलानी है। ये सपना हमारा पूरे देश का है। पंजाब और दिल्ली में तो हम पूरे कर ही रहे हैं, हम पूरे देश के लिए शिक्षा जो है, वन नेशन और वन एजुकेशन जो इनका नारा अभी इन्होंने दिया है कि जो अमीरों के बच्चों को शिक्षा मिलती है वैसी हर एक के बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए। आगे कंपटीशन में कौन आगे जाता है ये तो उन बच्चों के भाग्य में लिखा है, लेकिन कोई ऐसे वंचित ना रहे। तो आज मैं बहुत खुश हूँ, बींग ए चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट के हमारा पहला स्कूल रेडी हो गया। अब आने वाले दिनों में हर 15 दिन के बाद एक एक स्कूल रेडी होता चला जाएगा। ये तो बेस मॉडल है, इसके बाद वाले जो और ऑलरेडी जो स्कूल बन रहे हैं और भी अच्छे बना के हम जो है अपनी गारंटी को पूरा करेंगे। केजरीवाल साहब, आज नॉर्थ जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग भी हुई है, लेकिन सीबीआई के रेट स्कूल की बात करते हैं। सो आप लोगों ने जवान फिल्म देखी है? टाइमली मैंने सुना है कि बहुत अच्छी है। उसमें शाहरुख खान एक चीज कहते हैं कि कोई वोट मांगने आए तो धर्म के नाम पे वोट मत देना, जाति के नाम पे वोट मत देना। जो वोट मांगने आए उससे पूछना कि मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा दोगे, मेरा परिवार अगर बीमार होगा तो उसके लिए अच्छा इलाज का इंतजाम करोगे। आज 75 साल के बाद भी देश में एक ही पार्टी है, आम आदमी पार्टी, जो ठोक बजा के कहती है कि हमें वोट दो क्योंकि हम आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। दिल्ली में हम लोगों ने सरकारी स्कूल शानदार बनाए, जब हमने दिल्ली में स्कूल शानदार बनाए तो बोले अरे दिल्ली में तो हो सकता है, दिल्ली तो छोटा सा राज्य है, दिल्ली में तो कम लोग हैं, दूसरे राज्य में नहीं हो सकता। आज मुझे बेहद खुशी है कि हमारी पंजाब की भगवंत मान सरकार ने, भगवंत मान साहब ने, इनके एजुकेशन मिनिस्टर ने मिलके और वही शिक्षा क्रांति पंजाब के अंदर शुरू की है। ये जो शानदार स्कूल आप देख रहे हैं जहाँ हम लोग खड़े हैं, ऐसा स्कूल बताते हैं कि अमृतसर में कोई प्राइवेट स्कूल भी ऐसा नहीं है। इतना शानदार स्कूल, जो फैसिलिटीज़ यहाँ पे है ऐसी फैसिलिटीज़ प्राइवेट स्कूलों में भी नहीं है। ये फैसिलिटीज़ हर गरीब के बच्चे को भी मिलेगी, हर गरीब का बच्चा भी अब अमीरों जैसी शिक्षा प्राप्त करेगा। ये मुझे बेहद खुशी है कि आज पहला स्कूल बना है।
पंजाब के हर सरकारी स्कूल को ऐसा ही बनाएंगे और हर एक को, हर एक बच्चे को शानदार शिक्षा देंगे, ऐसा हमारे सबको वादा था और उस वादे को पूरा करने का काम शुरू हुआ है। कोऑर्डिनेशन कमेटी के ऊपर राघव चड्ढा जवाब दे।